एक ही फिल्म से एक्ट्रेस बन गई आलिया भट्ट, अब हो गई है मैच्योर। सोमवार को एक तीज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने दिल्ली पहुंची आलिया ने खास बातचीत करी न्यूज 24 रिपोर्टर चेतना भट्टागर से और खोले अपने पढ़ाई के राज। अभी मेरे साथ एक क्यूट स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो सारी एग्जाम्स टॉप पे लेके पास कर चुकी है। आलिया, कितनी बड़ा अपने आप को फील कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद, बिकॉज यू आर वेरी यंग। I'm still young. I'm not feeling any bigger. It's just been a year. I think अभी aging ज़्यादा हुई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा maturity आती है एक फिल्म करने के बाद। I think वो maturity जो सब कम में जो responsibility होती है, now that you know you're making you're earning your own money, you're taking your own decisions. तो उससे I think I've always been a mature person in general. But the age के साथ थोड़ी बहुत maturity आती रहती है, and I think women anyways mature faster. हाँ हाँ। खासकर जो इतनी यंग होने पर आप डी ग्लैम लुक में जा रही हैं, क्यों अभी से क्यों? आई थिंक पर्सनैलिटी इज एज समथिंग दैट एवरी एक्टर वांट्स टू अचीव। और मैं ज्यादा डिफरेंट जो भी रोल्स करूंगी, आई थिंक ऑडियंस ज्यादा खुश होगी और मुझे भी ज्यादा खुशी मिलती है उससे। अभी आप एजुकेशन की बात कर रही थी, अपनी एजुकेशन को पूरा करेंगी आगे पढ़ने का इरादा? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं 12th तक बस पढ़ाई करूंगी। प्लान था कि मैं आगे जाके एक्टिंग सीखूं लंदन या अमेरिका में, पर अभी एक्टिंग फिल्म सेट पे एक्टिंग सीखने का मौका मिला है, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग। अपने सिस्टर और मॉम के साथ में आगे काम करने का इरादा? डेफिनेटली, मैं बहुत खुशी होगी उनके साथ काम करके। अभी आप डांस कर रहे थे स्टेज पे, हाउ यू आर फीलिंग मींस पब्लिक में डांस करना? वो भी वो बहुत टाइम किया है तो कोई नर्वसनेस थी।